अनिल दुबे क्या ये बैकफायर कर रहा है क्या, बटेंगे तो कटेंगे, कि मौर्य साहब कह रहे हैं कि हमारा नारा तो भैया एक है तो सेफ है। देखिए हमारा नारा तो समाज में भाईचारा बनाना है, हमारा नारा जो है सबको लेकर के चलना है, हमारा नारा है समरसता का कायम हो। और हमने हमने केवल नारा ही नहीं दिया, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव। देखिए पूजा जी आपने कहा बटेंगे कटेंगे, मेरी आवाज चली गई समय, मैं ये कह रहा हूँ कि बटेंगे कटेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नारा हो सकता है, राष्ट्रीय लोकतंत्र सबको लेकर के चलने की बात करता है। और आपका नारा नहीं है फिर ये, आप ये कह रहे हैं ये आपका नारा नहीं है, समर्थन करते हैं कि नहीं? नारा समाज को छोड़ने का है, और हमारे नेता माननीय जयंत जी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में गए, 1600 गांव में उनका हुआ और सब लोग। आप कह रहे हैं आपका नारा समाज को जोड़ने का है, तो बटेंगे कटेंगे तो ये क्या नारा तोड़ने का है क्या? नहीं, हम लोग जोड़ना चाहते हैं, वो भी जोड़ना चाहते हैं। अनिल दुबे जी सही कह रहे हैं, रुके ना रुके ना, योगी जी बांटना चाहते हैं, अनिल दुबे जी की बात सही है। अब क्या समझे, अनिल दुबे जी सही कह रहे हैं। दिनू जी रुकिए ना, बोलने दीजिए ना, बहुत देर बाद वो आ पाए, उनकी आवाज आ पाई है। बोलिए अनिल जी। नहीं तो सबको छोड़ने की बात कर रहे हैं, 1600 गांव में हमारे नेता थे और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब लोग मिल करके चल रहे। आप देखिएगा मीरापुर में सारे लोग एक साथ खड़े हैं, मीरापुर सही की सभी 9 सीटों पर जीत करके आएगा। मीरापुर में तो आप कम दिखते हैं, वहां पर भी बीच में प्रचार करती हुई ज्यादा नजर आती है। मीरापुर का हाल यह है कि समाजवादी पार्टी कल वहां मीटिंग नहीं कर पाई, उन्होंने कहा कि जो है बहाने लेने पड़े, वहां मीटिंग में भीड़ नहीं थी, इसलिए उनके अध्यक्ष वहां गए ही नहीं, ये हाल है वहां। आप अपनी तो हालत देखे ना अनिल जी, आपको एक सीट मिली उस पर भी अपने कैंडिडेट को ला दिया बीजेपी ने। एक सेकंड आ रही बन्नू जी, अनिल जी आपकी आवाज पूरी नहीं आई, आप एक बार पुनः दोबारा दोहरा। अनिल जी मीरापुर उस एक सीट जो आपको दी गई है, हालांकि इच्छा तो आपकी और ज्यादा सीटें मांगने की थी, एक सीट मिली उसमें भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिया आपके टिकट। लेकिन एक मिले या मिले, लेकिन हम 9 सीटों पे रहे हैं ना, वो हमारा अंदरूनी मामला है कि हम किस पे लड़े, उनका सिंबल हो, हमारे 9 सीटें हमारी हैं और 9 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता एक उनको मदद कर रहे हैं। नहीं बीजेपी तो दिख रही है ना, आरएलडी नहीं दिख रही है, बीजेपी तो दिख रही है, आरएलडी ही नजर नहीं आ रही, अपनी एक सीट पर भी नजर नहीं आती, सब दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। आरएलडी तो सब जगह तो है, उनको सहयोग कर रही है, अरे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी 9 पर लगे हुए हैं और मीरापुर में तो मैं पार्टी जीती है। बोलिए बिन्नू जी क्या कह रहे हैं। देखिए अनिल दुबे जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इनके पास प्रत्याशी कहाँ, इनका प्रत्याशी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, इनको तो लालीपाप दिया गया है कि आप लालीपाप चूसते रहो। और रही बात मीटिंग की, तो करहल में अभी केशव मौर्य जी की मीटिंग प्रस्तावित थी, भीड़ ही नहीं गई, लोग गए ही नहीं, और वो मीटिंग कैंसिल कर देनी पड़ी। ऐसी कई जगहों पर स्थिति आ गई है, भारतीय जनता पार्टी को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी न बुलाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए आज की तारीख में कोई तैयार नहीं है। तो भाई सरकारी कर्मचारियों का वोट भी बहुत महत्व रखता है, सौरभ दुबे जवाब दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो जो दलित थे, जो पिछड़े थे, वो अनुसूचित जाति के थे, जनजाति के थे, उनके लोगों को जब नौकरी में प्रोन्नति दी गई तो उसको किसने रोका था, उसको आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने रोका था। जब दलित छात्रों को जो है छात्रवृत्ति रोकने का काम किसने किया था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मायावती जो एक महिला है, दलित महिला है, उनके साथ गेस्ट हाउस कांड किसने किया था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पूर्व पिताजी जो है मुलायम सिंह, जो है स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर जब दंगों में जल रहा था तो वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा था। इसलिए जब पीडीए की आप बात करते हैं, समाज के ऊपर में बात करते हैं, आप इस पर जवाब दें, वोट बैंक की राजनीति कहीं जनता जो है जानती है, तब ये नारा सही होता है।